अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा फ्रॉम आसमाज बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। कल हमने पहले का जो वीडियो हमने डाला है, जो हमने इसके पहले वीडियो किया है, उसमें हमने बताया कि किस तरह आप परफेक्टली क्रीम को व्हिप करोगे। देखिए, ये अभी बहुत अच्छी तरह से मैंने व्हिप करके रख दिया था ताकि व्हिपिंग में टाइम ना वेस्ट होए। ठीक है, अभी मैं इसको बताती हूँ आपको नोज़ल आप कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले नोज़ल यूज़ करने के लिए आपको चाहिए पाइपिंग बैग। मार्केट में इस तरह का पाइपिंग बैग मिलता है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है और ये छोटा साइज़ है। ये दोनों के बीच में भी एक साइज़ आता है, मिडल साइज़ होता है, तो आप वो ले सकते हो। या फिर एक आता है कपड़े का होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको कैसे होता है कि आप यूज़ करोगे, वो थोड़ा 100-200 का जो भी होता है। फिर उसके बाद आपको उसको वॉश करना है और दूसरा क्रीम डालना है अगर आप कलर करते हो। ये डिस्पोजेबल होता है, आप इसको यूज़ करोगे और थ्रो कर दोगे, मतलब फेंक दोगे, इसको आप धोकर रख नहीं सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये मेरी क्रीम परफेक्टली फेंट कर रेडी हो गई है। अभी मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मेरे पास अगर रोज़ नोज़ल जो लीफ का नोज़ल है अगर वो नहीं है और मुझे लीफ बनाना है तो मैं क्या करूँगी। सबसे पहले हमने ये एक ले लिया, इसको हम लोग अच्छी तरह से वी कट करेंगे, ऐसे और ऐसे। जो भी छोटे से पार्टिकल निकलते हैं, ये प्लास्टिक है, ये आप बिल्कुल इसको हटा दीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ये आपकी क्रीम वगैरह में चले जाएगी जो प्रॉब्लम करेगी। सो देखिए, ये मैंने ऐसे वी कट कर लिया है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये स्पैचुला पे देखिए, ये वी नज़र आ रहा है, ऐसे वी कट कर लिया है, ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है ये। इसमें देखिए, ये वी हो गया है। इससे मैं अभी, हम लोग जो कलर यूज़ करते हैं क्रीम में वो लिक्विड कलर यूज़ करते हैं, वाटर बेस होता है। इसमें आपको ब्लू बर्ड का मिल जाता है, एरोमा का मिलता है, बहुत सारे इसमें ब्रांड्स हैं, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये क्रीम मैं जितनी मुझे चाहिए मैं थोड़ी सी ले रही हूँ। इसमें लीफ के लिए मैंने ले लिया थोड़ी सी क्रीम, इसमें मैं 2-3 ड्रॉप लीफ के लिए डाल रही हूँ। और थोड़ा वाइब्रेंट कलर आने के लिए, मुझे एकदम डार्क ग्रीन नहीं चाहिए, तो मैं इसमें एक ड्रॉप येलो का डाल रही हूँ। सो इससे कैसे होगा, थोड़ा फ्लोरेसेंट कलर आ जाएगा। देखिए, डार्क ग्रीन नहीं है और डार्क येलो भी नहीं है, आप पर है, आपको बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए आप उतना कलर ऐड कर सकते हो। मगर पर्सनली आप अगर अपने घर के लिए बना रहे हो, बहुत ज़्यादा कलर मत यूज़ कीजिए। कल किसी ने पूछा था कि अगर पेंटिंग करनी है केक पर तो कौन से कलर्स यूज़ होंगे, तो अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आपको जेल कलर्स यूज़ करने होंगे, आप ये कलर्स नहीं यूज़ कर सकते हो। क्रीम को इस तरह से हम लोग अपने पाइपिंग बैग में डाल देंगे। जब भी आप करते हो तो आप इस तरह से थोड़ा सा एक बार ट्राई करोगे कि आपकी क्रीम किस तरह से निकल रही है। ठीक है, आपको करना क्या है, जितना बड़ा आपको लीफ चाहिए, इसी एक से मैं आपको बताऊंगी कि आप छोटे भी कैसे बना सकते हो और बड़े भी कैसे बना सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको जब छोटे बनाने हैं आप क्या करोगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसको प्रेस करोगे और यूँ खींच लोगे, तो ये आपका छोटा सा बन जाएगा। ये देखिए, इसी वी से आप क्या करोगे, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके आप खींचोगे तो आपके लीव्स बन जाएंगे। आपको बड़ा करना है, आप इतने ही कट से देखिए ये बड़े लीव्स भी आ जाएंगे आपके। आपको थोड़े से इसमें लाइंस चाहिए, आप क्या करोगे, इस तरह से लाइंस थोड़ा रुकाते रुकाते हाथ को इस तरह आगे पीछे करते हुए लोगे तो ये आपकी लाइंस आ जाएगी, देखिए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं होगा तो दूसरी बार ट्राई कीजिए, दूसरी बार नहीं होगा तो तीसरी बार ट्राई कीजिए, ये आपके पास वीडियो रहेगी, आप जितनी बार देखोगे उतना अच्छा कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको लीफ नोज़ल, मैंने ये इसलिए बता दिया कि ये डायरेक्ट करना था, तो अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ। अब ये आपको जब चेंजिंग करनी है, चेंज आपको अलग अलग यूज़ करना है, तो ये सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे बोलते हैं कॉपलर। ठीक है, इसमें बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, मेरे जो नोज़ल्स हैं उसके हिसाब से ये बड़ा वाला मेरे काम आता है, मतलब मैं इस पर इस तरह से फिक्स कर सकती हूँ, इसलिए ये कॉपलर मैंने यूज़ किया है।
इसको हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पाइपिंग बैग हो गया। जो ये बड़ा वाला हिस्सा है कॉपलर का, ये छोटा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये मैं यहाँ पे दे दूँगी अंदर से, ठीक है। जिस तरह से हम लोग, मैंने बताया था, नोज़ल को पहले पीछे करेंगे, ये लास्ट तक चला गया, इसको थोड़ा हम लोग पीछे करेंगे ताकि हमारी नोज़ल की जो टिप है वो पूरी अच्छी तरह से बाहर आ पाए। यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। फिर ये इसको, सॉरी, ये मैं आपको स्टार नोज़ल बता रही थी, देखिए ये है स्टार नोज़ल। मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये सबसे छोटा स्टार नोज़ल है, ओके, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, और ये उससे भी बड़ा है, ठीक है। अगर आपके पास ये नोज़ल्स है तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओपन स्टार नोज़ल है, ओपन स्टार नोज़ल है, ठीक है। इसमें भी छोटे बड़े सब आते हैं, एक ये है और ये एक उससे बड़ा है, ठीक है, ये है ये, ठीक है। और ये जो लीफ नोज़ल मैंने आपको बताया है, ये भी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है, पर हम लोग मोस्टली लीफ नोज़ल यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली ही कर लेते हैं, बट मैं आपको जैसे बता रही हूँ। अभी देखिए, मैं ये वाले से आपको काम करके बताती हूँ। ये हमारा जो स्टार नोज़ल है, रेगुलर है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ये अभी मैंने अपना कॉपलर लिया, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रेस करना है, और ये ऐसे थ्रेड होता है जो इसके ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ओके, ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे थोड़ा क्रीम ले लेती हूँ, ये तो ग्रीन कलर हो गया है, इसमें मैं क्रीम लेती हूँ। रेड कलर, टोमेटो रेड है ये, आराम से क्रीम को मिक्स कर लीजिए आप, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, मुझे ऐसे चाहिए कि इसमें अलग वाइट और पिंक थोड़ा सा शेड दिखे, तो मैंने ये ऐसे ले लिया है। मैं इसी तरह रखना चाहती हूँ क्रीम को, फुल एकदम रेड नहीं चाहिए मुझे। ये है ना, बहुत ज़रूरी है, आप चम्मच से करोगे ना ये अच्छी तरह नहीं निकलेगा। कल मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिक है और आपको मतलब बेकिंग शुरू करनी है तो आपको कौन सी चीज़ें, कौन सी टूल्स लगेंगे। बेसिक मतलब आप अगर शॉप पे चले जाओगे और बोलोगे कि मुझे करना है बेकिंग और सामान दे दो शुरुआत के, तो वो आपको इतना सारा सामान दे देगा जो कभी यूज़ में भी नहीं आएगा। सो आप कल का वीडियो देखिए। हम लोग जब भी नोज़ल डालते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखोगे कि इससे किस तरह का क्या निकल रहा है, किस तरह के फ्लावर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सो एक बार देख लोगे। सबसे पहले आप अगर बॉर्डर दे रहे हो, सो ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बॉर्डर के लिए आप कैसे करोगे, थोड़ा सा पुश करोगे, थोड़ा सा वापस आगे ले लोगे, पुश करोगे आगे लोगे, पुश आगे लोगे, इसमें कोई मेहनत नहीं है। और आपका देखिए, आप सिर्फ नीचे केक को बॉर्डर नहीं दे सकते, ऊपर भी आप पूरा बॉर्डर दे सकते हो। सी देखिए इस तरह से, ठीक है, ये एक हो गया। अब आपको केक के ऊपर डिज़ाइन देनी है, मतलब सिर्फ ऊपर कुछ आपको देना है, तो आप चार गोल पूरा आप सर्कल इस तरह का बना सकते हो। देखिए इस तरह से आप दे सकते हो। अगेन ये आप नीचे भी बॉर्डर दे सकते हो, जब आप नीचे की तरफ भी केक में इस तरह का बॉर्डर दे सकते हो, और इस पर आप बीच में यहाँ पर है ना कुछ स्पार्कल्स डाल दीजिए तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इस तरह से हार्ट शेप आ जाते हैं। ये भी आपकी बॉर्डर आ जाएगी, देखिए वेरी इजी।
आप अगर सोचोगे शुरुआत में ही मैं ये वाला यूज़ करूँ नोज़ल और मैं रोज़ बनाने लगूँ तो ये थोड़ा सा ऑफकोर्स हो जाएगा, बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है, तो प्रैक्टिस से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेफिनेटली आप बना लोगे, बट आप मान लीजिए कि आपने कुछ किया, आपको घर पर बनाना है, अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इस तरह के 2 से 3 नोज़ल ले लीजिए, आप आराम से ये सारा कुछ कर पाओगे। सो ये हो गया, अभी आपको क्या करना है इससे, देखिए इस तरह से आप फ्लावर बनाओगे, ठीक है। इसको बस आपको बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे गोल घुमाना है, इस तरह से देखिए, ओके। सेकेंडली आप इसको इस तरह से चढ़ाकर भी कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर, लाइक आप इसको इस तरह से बनाओगे, ये हो गया। फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे। आपकी अगर क्रीम परफेक्टली आपने बीट की हुई है तो ये सब कुछ अच्छा बनेगा। ये होने के बाद आप क्या करोगे, ये आपका लीफ नोज़ल है, आप यहाँ पे साइड में देखिए, है ना, ये यहाँ से टर्न टेबल आपका यही काम आता है कि आपको नहीं घूमना पड़ता है, आपको बस टर्न टेबल को घुमाना होता है। सो ये देखिए, ये हो गया। इसके बीच में आप स्पार्कल्स डाल सकते हो, आपको जो भी करना है आगे। मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आपको अगर मैंने 1 रुपया दिया है तो आपको 100 कैसे करना है वो आपके ऊपर है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ आपको उसको कैसे बढ़ाना है, आप उसमें अपनी तरफ से कैसे चीज़ें ला सकते हो वो आपके ऊपर है। अभी देखिए ये कॉपलर की वजह से क्या बेनिफिट रहता है, मुझे ये अब चेंज करना है। अगर मेरे पास ये होता, मैंने सिर्फ पाइपिंग बैग यूज़ किया होता, तो मुझे फिर कॉपलर के लिए दूसरे नोज़ल के लिए दूसरा यूज़ करना पड़ता था पाइपिंग बैग। लेकिन ये कॉपलर है इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से खोलेंगे, ये खुल गया, इस नोज़ल को मैंने निकाल दिया। अब मैं ये वाला नोज़ल होंगे ओपन स्टार, ओके ये मेरा नोज़ल है ओपन स्टार वाला। सो अभी कैसे होगा, देखिए ये यहाँ पे लगा देना है, इसे वापस बंद कर देना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पाइपिंग बैग चेंज करने की। मैं इसी क्रीम का अगर मुझे कलर यूज़ करना है तो मैं इसी तरह कर सकती हूँ। नाउ अगेन देखिए ये फ्लावर है, इससे भी मैं फ्लावर बना सकती हूँ। कैसे बनेगा, आपको वैसे ही बनाना है, इसको आपने लिया, ये हो गया, अगर आपको इसको ऊपर लेना है तो इस तरह से आप ऊपर लोगे, ऊपर आप कैसे लोगे यहीं से स्टार्ट करोगे, और आप बाजू में कैसे लोगे थोड़ा सा डिस्टेंस देके स्टार्ट करोगे। अभी मुझे ऊपर लेना है तो मैं क्या करूँगी, यहीं से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इसमें मेरी क्रीम ख़त्म हो रही है, एक्चुअली कॉपलर जब लगाते हो तो यहाँ से जो इतनी क्रीम रहती है वो इसमें रह जाती है और हम लोग प्रेस नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ से कॉपलर स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये एक मतलब बेनिफिट नहीं है, डिसएडवांटेज है, बाकी तो सारा बहुत अच्छा है। आपको मैं यही क्रीम वापस से बताती हूँ, 2 मिनट। हाँ ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, ये इसमें पिंक है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा ही ले रही हूँ मैं, ओके मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, कौन सा ले लेंगे, ब्लू, अगेन मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाल ये कर रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा, थोड़ा सा पिंक मिक्स होते हुए आएगा, ये देखते हैं कैसा कलर बनता है। ये सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, देखिए ये जो स्टार्ट में है कंपलसरी ऐसी आवाज़ करेगा क्योंकि हवा आ गई है इसमें, ठीक है। फिर ये आएगा, अभी तो यही आ रहा है बट चेंज हो जाएगा कलर थोड़े सा,
मैंने बताया था ना कॉपलर में देखिए बच जाता है, तो इतना सारा कलर निकला है पिंक, बट कुछ भी इसमें ये नहीं हुआ है। ओके ये देखिए, अभी इससे भी हम लोग बॉर्डर देंगे। इससे बॉर्डर कैसे देंगे हम लोग, इसको भी इसी तरह पुश किया, खींचा, थोड़ा प्रेस किया, खींच लिया। सी आ गया कलर इसमें, थोड़ा सा सताएगा ये कलर। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसके साथ किसेस भी दे सकते हो। इसमें कैसे करना है आपको, ये आप रखोगे, थोड़ा प्रेस करोगे और उठा लोगे। ठीक है, कैसे करोगे आप, ये रखोगे, थोड़ा प्रेस करोगे, उठा लोगे। प्रेशर कितना देना है वो आप पर है, आपको जितना बड़ा चाहिए। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करोगे, उठा लोगे, है ना। इसको ऐसे प्रेस करोगे और यहाँ खींच लोगे तो ये एक और डिज़ाइन हो जाएगी आपकी। देखिए इस तरह से आप प्रेस करोगे थोड़ा बड़ा और इधर खींच लोगे, इस तरह से आप प्रेस करोगे थोड़ा इधर कर लोगे। ओके सो ये हो गया। अगेन यहाँ पे आपको लीफ देना है, आप लीफ दे सकते हो। यहाँ पे भी आप इसके ऊपर इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने केक को फुल्ली डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि आप कर सकते हो। आपको कलर बॉटल देखनी है, देखिए मैम एक्चुअली ये वाली जो है ये ब्लू डायमंड की है, ये ब्लू कलर था मेरा। ओके ये ब्लू डायमंड की है, ब्लू कलर है, और ये वाली भी ब्लू डायमंड की है, लेकिन ये अलग तरह का इसका कैप है। कुछ इस तरह से मिल जाती है, कुछ इस तरह से मिल जाती है। ये भी ब्लू डायमंड की है, जो दूसरा ब्रांड है मेरे पास, और मिनट मैं आपको बता देती हूँ। अभी लॉकडाउन में जो भी मिल रहा है हम लोग ले लेते हैं। ये थ्री लीव्स की है और इसके बहुत अच्छे आते हैं कलर्स, जो हमारे बेकर्स विला के होते हैं। सो एरोमा एसेंस सब कुछ बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी जाने आने की बहुत प्रॉब्लम है। सो लोकली मुझे जो मिल जाता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया। अभी आप ये जो है इससे भी बॉर्डर बना सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। ये लीफ वाला जो नोज़ल है इससे भी आप बॉर्डर बना सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, इक्वल प्रेशर देते हुए इसी तरह आप चलोगे, बॉर्डर इससे बनेगी आपको। रुकिए मैं यहाँ पर बताती हूँ, एक्चुअली वो पूरा फिल भर गया है, इसलिए ये मैं थोड़ा सा, है ना, देखिए इधर से अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा और कट कर रही हूँ। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आपको कलर नहीं मिक्स करना है ना, तो आप क्या करोगे, इस तरह से कलर लोगे और डायरेक्टली ये पाइपिंग बैग में डाल दोगे। ठीक है, इसको डालने के बाद आप यहाँ से, कटा हुआ है मेरा, आपको काटना नहीं है पहले, इस तरह से आप कर लोगे कि पाइपिंग बैग में से आपका कलर अच्छी तरह से आने लगेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रीम ले लोगे। अभी थोड़ी ही ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बताना है आपको। ये हो गया, ये हो गया आपका। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा हाथ को शेक करना है और आपकी पूरी लाइनिंग्स वाले जो पेटल्स है वो आ जाएंगे। देखिए आपको डायरेक्ट पेटल चाहिए, लाइनिंग्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसको प्रेस करोगे, इस तरह से खींच लोगे, प्रेस करोगे, थोड़ा सा प्रेस करोगे, इस तरह से खींच लोगे। सेम है, मैंने कोई बड़ी कटिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इससे बड़े पेटल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दे दूँगी, बड़े आ जाएंगे। सेम है, मुझे छोटे पेटल्स चाहिए, मैं प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा दूँगी, एकदम छोटे पेटल्स आएंगे। सो कटिंग आपने बराबर कर ली है, वी कर ली है, आपके ऊपर है कि आप कैसे आप कैसे पेटल्स चाहते हो। अगर आपको बड़े चाहिए, आप इसी को देखिए, इस तरह से बड़े कर लोगे। ठीक है, देखिए आप इसको डायरेक्टली भी बड़ा कर सकते हो, इस तरह का
आप पर है, आप अगर हाथ शेक करके करोगे आपका इस तरह बनेगा, आप अगर डायरेक्टली करोगे आपको इस तरह से मिलेगा, आपको अगर इसकी इस तरह से आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हो। देखिए आप इस तरह से इसकी बॉर्डर भी दे सकते हो। सो ये सारी चीज़ें कैसे होगी जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। देखिए है ना, कलर मतलब मैंने पाइपिंग बैग में डाला है, मैंने कोई प्याली गंदी नहीं करी इसके लिए, डायरेक्टली कर लिया है। सो आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे हाँ आपकी परफेक्शन आते जाएगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट होते जाएगी। आप फर्स्ट टाइम करोगे और सोचोगे कि आपका एकदम अच्छे से हो जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं होगा। सो हमारा ये पेटल्स बन गया है, ये देखिए ये इतनी खूबसूरत सी हमारी चीज़ें बन गई है और सिर्फ दो नोज़ल से। आप ये पूरा जो है इस तरह से आप ये रोज़ेट डिज़ाइन से पूरा केक भी कवर कर सकते हो और जो भी है वो कर सकते हो, ठीक है। सो कोशिश कीजिए कम से कम खर्चे में आपके केक को बहुत अच्छा डेकोरेट करने की और बहुत अच्छी फिनिशिंग देने की। देखिए ये मैंने कॉप ले लिया, डायरेक्ट इसमें डाल दिया है, बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी क्रीम मतलब काफ़ी देर से बाहर रखी हुई है। अगर आपको ऐसे कुछ काम हो, आइसिंग करनी है, तो पहले आप जितनी क्रीम से आपको रोज़ बनाना है ना उतनी क्रीम फेंटने के बाद आप सबसे पहले फ्रिज में रख दीजिए। मैं थोड़ा सा इसमें कलर डाल देती हूँ, क्रीम को मैं कलर नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्रीम बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। स्पून आप जब ऐसे कुछ करते हो ना थोड़ा सा क्रीम को ऐसे कर लीजिए क्योंकि यह तो फटाफटा इम्प्रेशन आएगा आपका उसके ऊपर, ऐसे फटाफटा लगेगा। इससे मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्रीम मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बट देन विल ट्राई। ठीक है ये हो गया, अब मैं इस पर बता देती हूँ आपको। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंटेड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो मोटा हिस्सा है ब्रॉड साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, आप इस तरह से वी बनाओगे, सॉरी यू बनाओगे, उल्टा यू बनाओगे आप इस तरह से। एकदम धीरे धीरे जाइए, फटाफट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे जाइए ऐसे। आपका यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया पेटल, ये जो बीच से है पेटल के बीच में से आप वहाँ से स्टार्ट करोगे और इसको इस तरह से लेके जाओगे, यहाँ भी पेटल के बीच में से स्टार्ट करोगे, यहाँ लेके जाओगे। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको दूर करते जाओगे ताकि ये फ्लावर बड़ा होते जाए इस तरह से। सो हमने अपनी क्रीम में कोई कलर नहीं डाला था और डायरेक्टली इसको यूज़ किया है और ये हमारा रोज़ बन गया है। मैं इसको निकालूंगी इस तरह से, आपको कल भी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आप इस तरह से इसे निकालोगे, फुल कैंची नहीं बंद करोगे, इसको थोड़ी सी खुली रखोगे। यहाँ पे आपको बेस देना है और जब आप इसको रखोगे तो इसको इस तरह से टच करते हुए आप रख दोगे। ओके बहुत सारी नोज़ल है अवेलेबल, लेकिन आपको जो बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी वो ये है स्टार नोज़ल, रोज़ेट नोज़ल बोलते हैं, आप इसको लीजिए। आप इससे मतलब 90% आप पूरा केक इससे कवर कर दोगे, हो जाएगा। आपकी बॉर्डर्स देखिए केक की इस तरह से आ जाएगी, इससे आप अपनी बॉर्डर दे सकते हो। सॉरी ये वाला हाँ यही वाला दिया है, ये वाला तो ये स्टार से आपकी, इसी स्टार से आपकी ये बॉर्डर आ जाएगी, इस तरह की बॉर्डर आ जाएगी, इस तरह के फ्लावर्स आ जाएंगे आपके, इस तरह से आप रोज़ बना सकते हो। और ये जो ओपन नोज़ल मैंने आपको बताया है, ये जो ओपन नोज़ल है देखिए ये इस तरह का है, इससे आप काफ़ी सारे डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे कि ये फ्लावर्स बन जाएंगे, ये बॉर्डर आ जाएगी, ये एक तरह का
सीधा है फ्लावर बना हुआ, और ये जो है ये देखिए इस तरह से आप करोगे और फिर इसको थोड़ा सा इधर खींच लोगे तो ये बन जाएगा। आप इसको देख सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आप जब बनाओगे तो प्लीज़ टैग कीजिएगा। इसमें देखिए जो है नोज़ल बहुत सारे आते हैं, और ये जो सबसे बड़ा नोज़ल है ना ये नूर का है, मेरे पास 8 नंबर का है। बाकी जो नोज़ल्स है उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। हाँ, जो नोज़ल्स है उसके ऊपर नंबर्स नहीं है, आप जाकर शॉप पे बोलोगे ना तो वो दे देंगे। ये है बड़ा वाला नोज़ल, देखिए ये 2D का है, ठीक है। ये है, ये भी बहुत अच्छा, मतलब ये जो आया है इससे बड़े रोज़ आ जाते हैं और बहुत अच्छे, ये भी नोज़ल बहुत अच्छा काम करती है। ये वाला देखिए लीफ वाला, ज़्यादातर ये बड़े वाले नोज़ल है ना इनके ऊपर नंबर लिखे हुए रहते हैं, छोटे पर नहीं लिखे हुए होते हैं। सो ये वाला जो है ये 113 का है, इस पे 113 दिया हुआ है, ये बड़ा है। और कोशिश कीजिए कि इसे यूज़ करें, और आप जो भी इससे डेकोरेशन करें उसे प्लीज़ टैग और टैग कीजिए हमें, और हमारा चैनल फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है असमाज बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस, उसमें हमारी क्लासेस चलती है। हमारी अभी फ़िलहाल हमने जो ऑनलाइन क्लासेस डाली है, केक डेकोरेशंस है और डेकोरेशन फ्लेवर्स है, और बेकरी स्टाइल हमारी खारी है, ब्राउनी एंड ब्लॉन्डी वेरी सून एक दो दिन में आ रही है अभी, और मफिन्स की क्लास है। तो आप वो देखिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग यहीं पे सेशन ख़त्म कर रहे हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।